वचन कितनी परेशानियों के साथ उनका सामना कर रहे हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यार्थियों से को कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार दर्शकों, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है नशे की लत। हाँ जी, नशे की लत। इसमें लेकर आया हूँ एक बच्चे की कहानी जिसने अपने माँ बाप के सपने पूरे करने की है ठानी। अरे सुनती हो, पैसों का इंतजाम हो गया है। अब हमारा बेटा चिंटू शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने जाएगा और हम दोनों का नाम रोशन करेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। हमारा बेटा अब खूब तरक्की करेगा। पाई पाई जोड़कर गरीब माँ बाप ने पैसा कमाया, बच्चे की जिंदगी संवर जाए ऐसा सपना सजाया। चिंटू पहुंचा नए शहर की माया नगरी, जहाँ पर नशे ने मचा रखी थी तबाही के लिए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कॉलेज शुरू हुआ नहीं है और एग्जाम आ गए। समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाता हूँ, बाल्टी जितना याद रख पाता हूँ, चिल्लू भर नंबर आते उसमें डूब के मर जाता हूँ। चलो अब मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास। हेलो हेलो, एग्जाम की तैयारी हो गई? नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारी तैयारी तो हो गई। क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ले सुट्टा, इसको पी और सारा टेंशन आवाज होगा। ये क्या है? ये ले, एक और बार की, तुझे मजा आएगा। मुझे सब कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ अपने पैरों पे खड़े होने भेजा था और इससे तो पीकर मैं सीधा हवा में ही उड़ रहा हूँ। कोई दारू कोई कोकिंग का शौकीन, रात रात भर कई स्मोकिंग। एक दिन दोस्तों ने चिंटू को पेट थमाया, नशे का आदि चिंटू को बनाया, अंधेरा बेवसी साथ लाया। अरे चिंटू, तो इतना परेशान क्यों है? यार जिंदगी में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, और हर समस्या का हल है ये बॉटल। ले
सॉल्यूशन ड्रग्स से और वो भटका अपने लक्ष्य से। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने नशे में ही पाया, बेसुध होकर फिर जिंदगी भर चिल्लाया। अरे अब क्या करें, ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना तो हमारे पास माल है, अब क्या करें? चलो चोरी करते हैं। हाँ हाँ चोरी करते हैं। वो देखो लड़की, उसके पर्स में पैसे जरूर होंगे, चलो चोरी करते हैं। चोर चोर मेरा पर्स ले गया। नशा नाश का दूजा नाम तन मन धन, तीनों बेकाम। काम में काज का नशा है दुश्मन जान का। चिंटू को पुलिस स्टेशन में बुलाया, चिंटू के माँ बाप को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। दोनों रोते हुए आए। अरे चिंटू, तूने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। हमने तुझे शहर में पढ़ने भेजा था और तूने ये क्या किया? हम कई रात भूखे सोए, भूखे पेट काम किया, हमारे हाथों में छाले तक हो गए, बीमारी में हमने इलाज तक नहीं कराया, और तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया। देख अपने माँ बाप को, उन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ने लिखने भेजा था और तू नशे करता है। साहब मुझे छोड़ दो साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे भविष्य को देखते हुए मैं फायर नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसे ले जाइए। बहुत धन्यवाद। ठीक है, पर अगली बार तुमने ड्रग्स लिए तो तुझे जेल में डाल दूंगा। जिंदगी एक मौका सबको देती है, और इस बार चिंटू ने नशे को नहीं संघर्ष को चुना और नशे से मुक्त होने की अपने मन में ठान ली। आसान नहीं है दौर, आसान नहीं है दौर, मानो जैसे आपका दरिया है और डूब के जाना है। चीर रही थी उसकी सांसें रात के सन्नाटों में, तड़प रहा था एक एक अंग उसका, तड़प रही थी रूह उसकी, शायद वह नशे से आजाद होना चाहता। आइए देखते हैं चिंटू किस तरह से नशे से बाहर निकलता है। देखा दर्शकों आपने, जिस तरह चिंटू को घर का सहारा बनने भेजा था, पर नशे का आदि होकर उसने उन्हें बेसहारा कर दिया था। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 15% युवा आज नशे के आदि हो जाते हैं। आर्थिक तनाव, सोशल स्टेटस, भावनात्मक चुनौतियों और पारिवारिक बदलाव के कारण आज के युवा नशे के आदि हो जाते हैं। सरकार ने इसको रोकने के लिए और युवाओं को जागरूक बनाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है। तो आइए साथ मिलकर कहते हैं से नो टू ड्रग्स।